शादी का झांसा देकर 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण, 13 दिन तक झांसी में किया दुष्कर्म। आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पीड़िता पहुंची एसपी के पास। शिवपुरी जिले के रनौत थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी का शादी का झांसा देकर अपहरण और फिर झांसी में बंधक बनाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मंगलवार को एसपी के पास पहुंचकर इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि 19 फरवरी को लोकपाल आदिवासी पुत्र रामकृष्ण आदिवासी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा कर ले गया था, जहां आरोपी उसे झांसी में किराए के कमरे में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ लगातार रेप किया, जहां पुलिस ने उक्त किशोरी को आरोपी के कब्जे में से ही दस्तयाब किया था। इस मामले में जब पुलिस ने किशोरी को बयान दिए तो किशोरी ने अपने साथ कोई भी वारदात से इनकार किया करते हुए अपनी मर्जी से जाने की बात कही थी, परंतु अब किशोरी का आरोप है कि उसने ये बयान आरोपी के डर से दिए थे, जिसके चलते अब वह आरोपी पर कार्यवाही चाहती है। इस मामले में रनौत थाना प्रभारी अरविंद सिंह चौहान का कहना है कि इस युवती के 164 के बयान दर्ज किए गए थे। ये मामला सीडब्ल्यूसी में भी गया था, वहां तो उसने अपने साथ ऐसी कोई भी घटना से इनकार कर दिया था। अभी मामला विवेचना में है, किशोरी अब थाने पर शिकायत दर्ज कराती है तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मामला हुआ था तुम्हारे साथ जबरदस्ती ले गया था मैडम? कहाँ पर? झांसी। कब ले गया था? 19 तारीख। 19 तारीख में तो कितने महीने रखा वहाँ? नाम नहीं बता रहा है वो। 13 दिन सर। 13 दिन कहाँ पे रखा? झांसी में। झांसी में? झांसी में कौन काय में रखा? कमरे में? हाँ कमरे में सर, पुरानी बिल्डिंग में। पुरानी बिल्डिंग में तो क्या किया फिर वहाँ रख के? सर जबरदस्ती की सर। हाँ तुम्हारे साथ गलत काम किया उसने? गलत काम किया। तो उसके बाद पुलिस ने दस्तयाब किया था तुम्हें? सर घर के ना रिपोर्ट करी, पकड़े गए सर घासी में। पापा गए थे संग गए थे, पापा जीप में नहीं बिठा रहे बंदा। हाँ तुमने भगा था कि तुम बस में आना, लोकपाल और मैं संग जाना सर जीप में, तुमने मेरे संग जबरदस्ती करी तो ऐसी ऐसी क्या नहीं होगी, नहीं तो जेल में डाल देंगे। हाँ तुमने तो उस दिन बयान दिए थे कि मैं तो अपने भाभी के यहाँ वहाँ चली गई थी। धमकी रही सर पुलिस वाले ने। क्या कहा था? जेल में डाटेंगे। अब आप क्या चाहती हो? अब लोग को सजा मिलनी चाहिए।